जसपुर में भारतीय किसान यूनियन की बैठक हुई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन के तहत केंद्र सरकार द्वारा 5 मांगों पर अपनी सहमति जाहिर की। लेकिन राज्य सरकार में हरियाणा सरकार के अलावा अन्य प्रदेशों की सरकार ने किसानों की मांग को दरकिनार कर दिया, जिसमें मुख्य मांग पराली जलाने पर लगाए गए प्रतिबंध, किसानों पर लगाए गए मुकदमों को भी वापस लेने, MSP रेट समेत अन्य मांगों को वापस लेने का निर्णय न लिए जाने पर आक्रोश व्यक्त किया। किसानों सचिवालय में पूछ करने का निर्णय लिया, जिससे चलते प्रदेश के किसानों की एक बैठक पूरे प्रदेश में की जा रही है। इसके तहत स्कूल में बैठक हुई, जिसमें आगामी 26 नवंबर को मांगों को लेकर सचिवालय में प्रदर्शन कर महामहिम के नाम मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज की जो बैठक है, ये हमारे हाईकमान के निर्देशानुसार हो रही है, ये पूरे देश के अंदर चल रही है। इसी कड़ी में हमारे जसपुर ब्लॉक की बैठक है। जो 3 कानून लागू करे थे सरकार ने, केंद्र सरकार ने, और 13 महीने के बाद में वो वापस करे थे, तो उसके बाद 5 मुद्दे हमारे और रह गए थे जो लिखित में केंद्र सरकार ने हमें दिए थे कि उन पे बातचीत होकर उन्हें हल होना था। उसमें एक तो MSP पे गारंटी कानून का था, बिजली अमेंडमेंट बिल था, और दूसरा पराली पे था, और पुराने ट्रैक्टरों को जो बंद करने की बात थी वो ना हो, 10 साल तक पर वो मामला था।